उसी समय उस जमांदरू लंगड़े को परमेश्वर ने हील किया, चंगा किया। आमीन। जब प्रेरितों की पुस्तक उसकी 14:8 पढ़ो, पंजाबी में रसूलां दे करता, तो वहां पे 14:8 में लिखा, लुस्त्रा में जब परमेश्वर के दास पॉलस, हाँ, किसका वचन सुना रहे थे, किसका वचन सुना रहे थे, तो वहां पे लिखा एक जमांदरू लंगड़ा लिखा पॉलस की बातों को टकटकी लगाकर सुन रहा था। क्या सुन रहा था? तुम्हें थर्सडे बता रहा था कि टकटकी लगाई कैसे लगाई जाती है, क्योंकि कुछ लोग भी वीरवार भी कुछ लोग सुन तो रहे थे, सुन रहे थे, मेरी तरफ देख रहे थे, पर कुछ मान लो 10-15-20 मिनट निकल गए, 10 मिनट निकल गए तो वो नीचे को फेस कर लिया, इधर को देखने लगे, उधर को देखने लगे, वो क्या कर रहा है। ऐसे कभी मत, कभी भी ऐसे वचन को मत सुनो, कभी फेस को नीचे कर लिया ऐसे करके, कभी उधर को देखना शुरू कर दिया, कभी उधर को, कभी ऊपर को, हाँ, बस आप टकटकी लगाकर मेरी और देखते रहो, मेरे जो परमेश्वर मेरे मुंह से बोल रहा है। तो वहां पे मैं बता रहा था, रसूलना देखकर तो प्रेरितों के काम 14:8 में जब लुस्त्रा में प्रेरित पॉल जब पर खुदा का वचन दे रहा था, तो एक जमांदरू लंगड़ा लिखा पॉलस की बातें, बातें मतलब बातें तो नहीं, वो किसका वचन दे रहा था, तो लिखा वो टकटकी लगाकर सुन रहा। टकटकी कैसे लगाई जाती? जब वो बोल रहा था तो वो ऐसे कर रहा था, हाँ। तो परमेश्वर ने उस जमांदरू लंगड़े की चाहत को, उसके मन को, उसके प्रेम को, उसके विश्वास को देखा, तो पॉलस को अपने दास को इस्तेमाल किया पवित्र आत्मा ने, और उसे बोला, उस लंगड़े को बोला खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। वो सब बोले किसको बोल रहा, बोले तू तू खड़ा हो जा, तू रहा। वो इतना खोया हुआ था खुदावंत के वचनों में, वो ये भी भूल गया कि ये मुझे खड़ा होने के लिए मैं तो क्या हूं, मैं तो पाइस हूं, मैं तो लंगड़ा हूं, मैं कैसे खड़ा हो सकता हूं। वो इतना वचन में क्या था, बोलो क्या था, इतना वचन की उस गहराई में, जैसे मान लो कैसे कहेंगे इसे, इतना ज्यादा वो अपना मन उस तरफ लगाकर बैठा था, वो ये भी भूल गया कि मैं लंगड़ा हूं। और खुदावंद ने उसकी मन को, चाहत को देखा, और पवित्र आत्मा ने उसे अपने दास को इस्तेमाल किया, क्या किया, इस्तेमाल किया, और उसी समय उस जमांदरू लंगड़े को परमेश्वर ने हील किया, चंगा किया। आमीन। वो आपको भी करना चाहता है। बोलो अपने पड़ोसी को टकटकी लगाकर सुन, तुझे चंगा करेगा, वो तुझे ब्लेस करेगा। आमीन।